ऑस्ट्रेलिया में होगा 11 साल का सूखा खत्म। वर्ल्ड कप से पहले भारत की 5 मुश्किलें हुई है खत्म। जी हाँ, 2011 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत कमाल करेगा और 11 साल से चले आ रहे सूखे को खत्म करेगा। इसके लिए टीम मैनेजमेंट को भी बदल दिया गया है। रोहित शर्मा को कप्तानी और राहुल द्रविड़ को कोचिंग का जिम्मा सौंपा गया है। अभी हाल ही में टीम इंडिया इंग्लैंड का दौरा समाप्त कर चुकी है। उससे पहले आयरलैंड और उससे पहले टीम इंडिया साउथ अफ्रीका की मेहमानबाजी करने में बिजी थी। क्योंकि बात तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि 2021 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का बेहाल हो गया था, क्योंकि टीम इंडिया इन 5 सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाई थी। कप्तान विराट कोहली इन 5 वजहों से अपने कैरियर में कप्तानी में वर्ल्ड कप नहीं जीता पाए, लेकिन रोहित ने आते ही इन 5 मुश्किलों का खात्मा कर दिया है और ठीक 2022 से पहले रोहित को मिल गया है इन 5 सवालों का जवाब। तो आइए आपको बताते हैं कौन सी वो 5 मुश्किलें अब खत्म होती हुई नजर आती है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चूंकि बात तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि साल T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा, उससे ठीक पहले एशिया कप जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म भी खेला जाएगा। यानी कि टीम इंडिया को अब इन 5 सवालों के जवाब से न केवल एशिया कप पर परचम लहराना है बल्कि T20 वर्ल्ड कप को भी जीतकर पूरी दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देना है, जिसके लिए कप्तान रोहित शर्मा तैयार है। लेकिन टीम इंडिया की ये 5 मुश्किलें बड़ी हुई थी, लेकिन अब इनका समाधान मिल चुका है। आइए आपको बताते हैं कि करके इन 5 सवालों के जवाब। बात करते हैं 5वें सवाल के जवाब के बारे में। भारत ने 2007 से अब तक 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, एक वनडे और एक T20 वर्ल्ड कप। दोनों में युवराज सिंह सबसे अहम खिलाड़ी साबित हुए थे। नंबर 4 पर विस्फोटक बल्लेबाज यूवी की खासियत थी कि अगर टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस करता तो यूवी नंबर 4 पर आकर टीम को और भी अधिक ऊंचाई पर ले जाते। अगर टॉप ऑर्डर फेल होता तो युवराज पारी संभालने का काम करते थे। तब से अब तक भारतीय टीम को क्रिकेट में नंबर 4 पर युवराज का रिप्लेसमेंट नहीं मिला है। इस दौरान नए पुराने खिलाड़ियों को टोटल 18 खिलाड़ियों को आजमाया गया, लेकिन कोई खुद युवराज का 1/4 भी साबित नहीं हुआ है। अब भारत की परेशानी खत्म हो गई है। सूर्य कुमार यादव के रूप में टीम इंडिया को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए एक तगड़ा खिलाड़ी मिल चुका है। अंग्रेजों के खिलाफ T20 सीरीज में 3 मुकाबलों की 3 पारियों में सूर्या ने 171 रन बनाए, एक शानदार शतक भी शामिल था। सबसे बड़ी बात है कि सूर्या का स्ट्राइक रेट बहुत ही कमाल का है। सूर्या पेस और स्पिन दोनों खेलने में एक समान महारत हासिल रखते हैं। सूर्या मैदान के 360 डिग्री में रन बनाते हैं, इसलिए कह सकते हैं इस सवाल का जवाब मिल गया है। हमारे बात करते हैं 4वें सवाल के बारे में। हार्दिक की पीठ की चोट ठीक नहीं हो रही थी, वे गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे। भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप तक मौका दिया फिर ड्रॉप कर दिया, जिसे मुंबई इंडियंस को उन्होंने कई बार चैंपियन बनाया, उसने भी एक सीजन में उनका इंतजार नहीं किया बल्कि बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की वापसी करी उसे देखकर कहा जा सकता है कि टीम इंडिया जब ऑलराउंडर्स की कमी महसूस कर रही है, अब वो हार्दिक पांड्या के आने से टीम इंडिया को बैलेंस मिल गया है। हार्दिक की टीम में वापसी से मिडिल ऑर्डर में अब जान आ चुकी है। हार्दिक ने यह डिबेट भी खत्म कर दिया है कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत का ऑलराउंडर कौन होगा। अगर कोई खिलाड़ी एक ही मैच में 50 भी जमाए और 4 विकेट भी ले तो उससे बेहतर दावेदार कौन हो सकता है। तो 4वें सवाल का भी जवाब मिल गया है। 3रे सवाल का भी जवाब, जी हां, विराट कोहली आयरलैंड इंग्लैंड दौरे में पहले 3 T20 मैचों में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थी। उनकी जगह इन मुकाबलों में दीपक हुड्डा ने टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करी। 2 बार वे नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए और एक बार ओपनिंग। हुड्डा ने 3 मैचों में 92 की औसत से 179 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी। हुड्डा की एक और खासियत है कि वे ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं, यानी विराट अगर जल्द फॉर्म में नहीं लौटे तो तेज बल्लेबाज नहीं बल्कि नंबर 3 पर ये दीपक हुड्डा कमाल करते हुए दिखाई देंगे। इस सवाल का जवाब भी मिल गया है, कौन होगा विराट का बैकअप। लेकिन दूसरे सवाल की बात करते हैं तो रोहित शर्मा के कप्तान बनने के बाद जीत का सिलसिला जारी है। जी हां, पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा को T20 और वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया का कप्तान नियुक्त किया गया। खुद कुछ दिन बाद विराट ने टेस्ट कप्तानी भी छोड़ दी थी, जिसके बाद ही जिम्मेदारी रोहित को दी गई। अब तक उनकी अगुवाई में टीम इंडिया ने 7 सीरीज खेली है और वो सभी अपने नाम करने में कामयाब रही है। रोहित शर्मा टीम इंडिया को 4 T20, 2 वनडे और 1 टेस्ट सीरीज में भी जीत दिलाने में कामयाब रही है।
यानी कि रोहित के आने से टीम इंडिया में वो लकी चार्म आ गया है, टीम इंडिया में वो जीत का सिलसिला आ गया है और रोहित कहीं ना कहीं अब काम आने वाला है। लेकिन आप बात करते हैं पहले सवाल का जवाब। जी हाँ, इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भी कमाल की फॉर्म दिखाई है। वो पिछले एक साल से तीनों फॉर्मेट में मिलाकर टीम इंडिया के बेस्ट बल्लेबाज साबित हुए हैं। इंग्लैंड के इस दौरे की शुरुआत उन्होंने बर्मिंघम टेस्ट में शतक बनाकर और समापन मैनचेस्टर वनडे में तूफानी शतक की पारी खेलकर करी। ऋषभ पंत टीम इंडिया के फिनिशर की भूमिका निभाने वाले हैं, जो पिछले काफी समय से सवालों के घेरे में था। तो कुछ इस तरह से ये पांच सवालों के जवाब मिले हैं टीम इंडिया को ठीक टी20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले इस इंग्लैंड सीरीज के अंदर। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि इन पांच सवालों के जवाब मिलने से कप्तान रोहित शर्मा की मुश्किलें आसान हुई है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।